नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JSD नर्सिंग एकेडमी में। तो दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में जो कि रीवा मध्य प्रदेश में निकली हुई है हॉस्पिटल में। दोस्तों, इसमें दोस्तों वैकेंसी स्टाफ नर्स के लिए निकली हुई है, जिसमें दोस्तों स्टाफ नर्स की 111 पोस्ट हैं, जिनका वेतन दोस्तों 8,700 रुपये होने वाला है। और जनरल में दोस्तों 44 सीट है, और अनुसूचित जनजाति ST में 24 सीट है, अनुसूचित जाति SC में दोस्तों 19 सीट है, और दोस्तों OBC में 17 सीट है, और EW में दोस्तों 12 सीट है। और दोस्तों बात करते हैं स्टाफ नर्स संविदा कर्मचारी हेतु, इसमें दोस्तों 12 सीट है जनरल की, अनुसूचित जनजाति ST की दोस्तों 6 सीट है, SC की दोस्तों 5 है, OBC की 4, और EWS की दोस्तों 3 सीट है। इसमें दोस्तों आपको स्टाफ नर्स नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए दोस्तों आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 3 माह पश्चात आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। और इसमें दोस्तों पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है, ये बता रखा है दोस्तों इसमें। और दोस्तों आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, दोस्तों डॉक्यूमेंट जमा करवाने की अंतिम तिथि इसमें दोस्तों 31/12/2020 से शाम को 5 बजे तक। और दोस्तों ये ईमेल आईडी दे रखी है, इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें, ईमेल करें। और दोस्तों इसमें दोस्तों अन्य शर्तें हैं, यात्रा भत्ता, इसमें दोस्तों यात्रा भत्ता कोई नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों आवेदक की आयु दिनांक 1/7/2019-2020 को 18 वर्ष तक से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखें। और दोस्तों इसमें आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जाएगा, 5वां पॉइंट दोस्तों। और उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है दोस्तों, इसमें फोटोकॉपी चाहिए होगी। और दोस्तों इसमें निर्धारित न्यूनतम आयु के से पूर्व विवाह करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी, ये चीज़ भी ध्यान रखें दोस्तों। और इसमें दोस्तों 26/1/2001 के बाद जिस आवेदक को 2 से अधिक संतान जन्म लिया है, उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, ये भी चीज़ ध्यान रखें दोस्तों। इसका रिजल्ट दोस्तों ऑफिशियल संस्था की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। और नीचे दोस्तों ये आपको फॉर्म बता रखा है, इसमें इस टाइप से आपको फॉर्म भरना है, आवेदित का नाम, विज्ञापन क्रमांक, ये दोस्तों इस टाइप से आपको फॉर्म भरना है। और दोस्तों ये फॉर्म आपको उस वेबसाइट बताई थी दोस्तों ऊपर, आपको उस पर भेजना है। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह आने वाली नई वैकेंसी आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।